जिस दिन इस गाड़ी में पहला चलान हुआ ना, मेरे को गुस्सा आया, दर्दनाक है ये दृश्य। हमने फुटस्टेप पे बाहर किया और ये बाहर आ गया। हमें ब्रेक किया, इसको बाहर आना ही था। ये फाइबर का बोनट नहीं है, पूरा मेटल का बोनट है। हाँ, हालांकि मेरे फॉर्च्यूनर का से हार्ड स्टीयरिंग सुबह में मिले थे आप मुझे। ये हैंडब्रेक तो बड़ी सही है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। ईशान भाई कितना कितना रोकड़ा लगा, कितना रोकड़ा लगा है। सबसे बेकार है भाई वो, क्यों बेकार है वो बताता हूँ आपको मैं। अब फेंडर के ऊपर खड़े हो, फेंडर के ऊपर खड़े हो और नहीं टूट जाएगा यार, खड़े होने यार टूटेगा मेरी जिम्मेदारी। गाइस ये तो कुछ ज्यादा ही करवा रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब गर्मी का मौसम जो है वो आ चुका है, आप देख रहे हो हाफ स्लीव्स निकल गई है। वैसे मैंने प्रोटेक्शन के लिए रख लिया है, शाम को आने में लेट हो जाते हैं तो फिर ठंड लगती है। करते हैं आज के दिन की शुरुआत। सीन्स जो है वो अच्छे हैं, बोलेरो के टायर देख के अच्छा सा लगता है, लुक्स थोड़ी सी अलग सी लगती है, तो इसे ही आज लेके जाएंगे। क्या कुछ आज के हमारे काम है वो भी आपको बताते हैं। पहले ही आके सामान वामान मैंने कुछ रख दिया था अंदर, लैपटॉप वगैरह चाबी भी देखो लगी हुई है। होम लोड से तुमने कहा सुनवा दिया खसर बकल्याण मोड पर महेश ब्रायन वास्तव। तो जी कल तो हमारे टायर डले थे, आज है हमारा रिएक्शन डे। तो यहाँ मुझे कुछ काम था रोन भाई के पास, अभी तो मैं आ गया, अभी देखते हैं सबको गाड़ी कैसी लगती है। नहीं नहीं तो भाई जब भी आओ रोन भाई फोन पे ही बिजी रहते हैं। बिजनेस कॉल है कि कोई और कॉल? सारी बिजनेस कॉल भी होती है। गाड़ी कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। अब आया ना मजा, हाइट बढ़ गई है। हाँ, हाइट बढ़ गई है। चलो उतारेंगे उसकी, अभी उतारने की बात में उतारने हैं जब वहाँ से वो आगे चोरी तो नहीं है, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर उस चीज से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में मैं हट जाता हूँ। देखो मॉडिफिकेशन करके ऐसा तो नहीं है कि मैंने संडे को गाड़ी चलानी है, फिर जो गाड़ी चल रही है तो उसको तो रोज ही चलाना है ना। जिस दिन इस गाड़ी में पहला चलान हुआ ना बेच दूंगा, जिस दिन इसमें पहला चलान हो गया ना मोटे वाला मॉडिफिकेशन का बेच दूंगा इसको। निकल गए हैं, निकल कहाँ गए हैं, पहुँच गए हैं। मोहित जी अपने खाने के साथ रेडी हैं। मेरा नहीं है ये। आप खाना नहीं खाते हो? खा के आए हैं। अच्छा खा के रहे आपके लिए पैक। बिकॉज यहाँ गाड़ी लगाने नहीं देते हैं तो फिर नीचे वहाँ लगा के साइड पे गए, वहाँ पार्क करके तो फिर आराम से खाएंगे। लेकिन आज पुलिस बढ़िया, क्या पता उधर भी लगाने देते हैं नहीं लगाने देते। एक तो गर्मी, ऊपर से ये ट्रैफिक, और हमारी गाड़ी में एसी तो है शादी से वहाँ से हीटर तो नहीं ना दिया वो। नहीं नहीं ये तो कुछ चलेंगे चल गया वो, कुछ तो आ रहा है अपनी गाड़ी में तो एसी है। चलो जी देखते हैं, अभी हवा गर्म है ठंडी, पहली बार डाल रहे हैं। एक्चुअली एक दो बारी किया लेकिन कुछ ठंडी हवा नहीं, जैसे अभी भी कोई ठंडी हवा नहीं है, पता नहीं गैस खत्म होगी क्या होगी। लेकिन जाम भी देखो, लेकिन ठीक है गर्मी से तो अच्छा ही है। छोटे छोटे बच्चों के साथ यार लोगों ने तो जैकेट पहनी हुई है, मैं तो टी शर्ट में आ गया। गर्मी है आज। गाइस बच्चे ने ऐसा क्यों किया है? जब मैं बच्चा था तो मैं भी ऐसा करता था, पापा के पीछे स्कूटर पे मैं भी उल्टा बैठता था। बट बेसिकली ये अच्छा नहीं है, इससे आपको चक्कर आते हैं। अब जाना है कहीं बाहर लेकिन जाए कहाँ वो समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आज तक हम जितना भी घूमे हम दो चार जगहों पे ही घूमते हैं। एक तो हम इधर नॉर्थ में ही घूमते हैं, एक बार सिर्फ जाने के लिए मैं राजस्थान गया हूँ। जाना पड़ेगा कहीं तो, जाना कहीं भी है पर दिल्ली से होके जाना। दिल्ली में क्या है भाई? दिल्ली में है कुछ? चलो फिर दिल्ली चलते हैं। दिल्ली, दिल्ली वी आर कमिंग। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहीं पता चलेगा कब दिल्ली पहुंचे। डालेंगे पेट्रोल, सॉरी पेट्रोल नहीं डीजल डालेंगे, कितने का डालेंगे देखेंगे। अभी 3400 का डलवाएंगे फुल, मैं इसको उस दिन करवाऊंगा जिस दिन मैंने ट्रिप पे जाना होगा ना उस दिन फुल करवाएंगे। अभी जम्मू जम्मू में फुल नहीं करवाएंगे, मुझे लगता है 50-60 लीटर, 40 लीटर डल गया, 60 लीटर का टैंक होता है इसका। अभी देखते हैं कि 40 लीटर में कितना उठता है। फुल हो गया क्या? अभी तो पूरा फुल ही दिखा रहा है, तेल कहीं बाहर ना आ जाए निकल के। मेरे को गुस्सा आया, मैं कहा यार कौन सा कस्टमर ऐसे तेज आ रहा है। गाड़ी सही लग रही है, मैं बुझा रही हूँ, मुझे गुस्सा आया मैं यार कौन कस्टमर सीधा कट मार रहा अंदर। नहीं मैंने पता क्या देखा, नहीं तो रस्सी लगी होती है ना, मैंने यहाँ देखा रस्सी नहीं है। मस्त है मस्त है, ठीक लग रहा है। मस्त है। तो जी एसी का अमित भैया ने कुछ बताया, फॉल्ट बेसिकली कंप्रेसर नहीं चल रहा है इसका, पता नहीं सीधा लगा के डायरेक्ट लगा के। हाँ बेसिकली कंप्रेसर एसी ठीक है, बस कहीं से करंट नहीं आ रही कंप्रेसर को, तो जो वो चल नहीं रहा है तो उसकी वजह से हवा गर्म है। लेकिन अभी जब कंप्रेसर चलता है तो हवा ठंडी आ रही थी। दर्दनाक है ये दृश्य। गाइस जब कहीं पे वार होता है कहीं पे दर्द होता है ना, इधर देखो हमने फुटस्टेप पे वार किया और ये बाहर आ गया। हमें ब्रेक किया है, इसको बाहर आना ही था।
अमित भैया ये मेरे दिल का दर्द इसको अंदर लगाओ। बस यार आपके दिल की सर्जरी करते हैं अमित की। इसके लॉक लॉक तो निकाल दिए? किसके? नहीं प्लास्टिक की, प्लास्टिक ही है। इसका पक्का जुगाड़ बना नहीं, नहीं, पक्का नहीं, कच्चा ही करो, वैसे बाद में चेंज करने ना। ये भी चेंज करने हैं? सब कुछ चेंज करना है। ये क्या नया डालना है? इसमें थोड़ा एक्सटेंडेड वाला आता है वो सोचा है, करूंगा नहीं करूंगा पर शायद वो है। कर दो जैसा भी, पक्का अंदर निकल जाने चाहिए वैसा पक्का। ऐसा नहीं की ऑफ रोड पे भी जाए तो निकले ना, वैसा पक्का नहीं करना। ये की उतारने में उतर जाए। अभी मैं यहाँ आया तो अमित भैया की सफारी के टायर खुले हुए थे, फिर हमने सोचा गई तो हमारी भी थी। कल उस दिन खोल रहे थे, खुले नहीं थे कल जिस दिन टायर डलवाए। तो आज पंकज भाई हमारा ड्रम खोल के चेक करेंगे कि उसमें कितना रेत है, बिकॉज हमारी गाड़ी तो फंसी हुई थी ना। पंकज भाई क्या हाल चाल है? ठीक हो? देखो पंकज भाई का हमारे साथ कितना प्यारा, जिधर हम उधर पंकज भाई। हाँ पंकज भाई क्या बात है, आवाज में दम कम है। जितना ऐसे धुआं निकल रहा है इसके अंदर बहुत मिट्टी होने वाला है, बहुत मिट्टी। ओह ये तो खुल गया। अरे यार दो यार उतार दे। अच्छा हम देखें। ओके पंकज भाई ने कहा हम सिर्फ देखेंगे, बोलना नहीं है। अरे भाई 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 भाई, भाई। ये कौन सी टेक्निक है? ये देसी टेक्निक होती है। देखो आपने क्या किया पंकज भाई ने, ये तो हमें पता ही नहीं था। सबको बताओ हम सही नहीं आएंगे। फिर आप हमारे पास कहाँ आओगे? अंदर से क्लीन ही है, मतलब मुझे लगता है दूसरा ड्रम खोलने की जरूरत नहीं है। जहाँ जो बोलेंगे नहीं, मतलब ये कंडीशन ठीक है, खराब है? अब पानी में जाएगा तो पानी तो जाएगा ही थोड़ा बहुत। अच्छा मतलब खोलना पड़ेगा, खोल लेंगे। पर ये इसको चूसने तक वेट करना होगा, नहीं तो थार की तरह टायर चिपक जाएगा। लेदर के साथ ड्रम चिपक जाता है पता है, गाड़ी का हो गया ना। पर सही क्लीनिंग इजी नहीं होती है। गाड़ी का तो जो छोटा मोटा काम था वो तो करवा लिया है, तो अभी आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल वीडियो बनाने। शान भाई की थार एक्चुअली आई थी, उन्होंने रेडी करवाई थी, तो फिर मैंने कहा चलो एक रिव्यू वीडियो सा शूट कर लेते हैं। मैंने गाड़ी खुद भी नहीं देखी तो खुद भी देख लेंगे और आप लोगों को भी दिखा देंगे। फाइनली पहुंच चुके हैं, गाड़ी आप देख सकते हो भाई, एक्समैन वाली गाड़ी कहाँ से आ गई है। लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ईशान भैया क्या हाल चाल है? नमन भैया क्या हाल है? क्या दूर दूर रहते हो आप? तो पहले क्या अभी ईशान भैया गाड़ी का रिव्यू करना था, तो फिर ईशान भैया कह रहे मैं अकेला ही आ रहा हूँ, रमन भैया कहीं बिजी है। मैंने कहा नहीं, एक घंटा लेट हो जाएगा। हाँ पर हम भी आएंगे फिर वो। तो रमन भैया अब आपने अपनी जो पंच लाइन है ना वो बीच में देते रहना है। क्या हवा हुआ चल रही है रमन भैया? अभी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी थोड़ी सी बढ़ गई है। अच्छा और क्या, माइक भी रखे हैं? माइक रखे हैं पर माइक दो ही है ना, एक रमन भैया को देंगे एक आपको देंगे। फाइनली इंट्रोडक्शन तो हो चुका है और अब आ जाते हैं हमारी गाड़ी पे। तो भाई साहब सबसे पहले तो मतलब पहली नजर में अगर आप गाड़ी देख रहे हो तो ईशान भाई भी ना अभी मेरा इसी चीज पे रिएक्शन नोट कर रहे थे कि गाड़ी कैसी लग रही है। तो मैं आपको एक रील दिखाता हूँ जो इन्होंने उसके साथ किया है कांड। भाई वो मैं खुद डर गया था देखे तो। आप ये देखो ये यहाँ पे मतलब मरते जो शूट कर रहे होंगे ना उन्होंने भी कैमरा उस टाइम पे बंद कर दिया। हाँ। बस ये गाड़ी इन्होंने लेते ही इसका ना बहुत तगड़ा वाला कांड कर दिया था। तो ये इस गाड़ी के साथ एक बड़ी अच्छी सी हिस्ट्री जो है वो जुड़ गई है। सबसे पहले तो गाड़ी में हुआ क्या क्या है, जो चीज हम तो देख पा रहे हैं फ्रंट में, लुक्स पे आप देख रहे हो, ईशान भाई खुद बोलते जाएंगे। तो भाई सबसे पहले तो उसके फेंडर बने हुए, फेंडर पहले भी बने हुए थे मेरे, बट वो मैंने बनाए थे जलंधर से। बट जो उन्होंने काम किया था वो बिल्कुल बेकार, जो पहले फेंडर उन्होंने यूज किए थे, जो उसकी प्लेट थी अंदर जो होती है शीट, वो सारी खाई हुई थी, उसमें जंग लगा था पहले का। हम देखते नहीं जाके क्या चीज हो रहा हमारी गाड़ी में है ना, तो उसने वो खाई हुई लगा के उसमें पेंट बोन करके लगा दी। और वो नीचे से भी नहीं थी, ये थ्री लेयर में ऊपर नीचे और बीच में तीन लेयर में है। इसमें चाहे मतलब मैं भी बैठ खड़ा हो जाऊंगा इस पे तब भी इसको कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो गाड़ी की अगर हम बात कर लें तो इस गाड़ी से जब मेरे ईशान भाई से पहली बार बात हुई थी तब भी हम गाड़ी के थ्रू ही मिले थे, और उस टाइम भी इस गाड़ी में जो काम हुआ था ना वो भी मतलब जम्मू में पहला था। तो उस टाइम इसमें कोई 4.5 लाख के फ्यूल के जो अलॉयज हैं वो डले हुए थे 22 इंच के, और उस टाइम तो मतलब मेरे को लगता है इकलौती गाड़ी थी। हां उस टाइम इकलौती थी, और वो मैंने मंगाए थे यूएसए से, उसमें कॉपी भी मिलते थे ओरिजिनल भी मिलते थे। ठीक ठीक। तो हमें लगे कम से कम 2-3 महीने हमारे आते आते अमेरिका से इंपोर्ट हुए थे। तो वो जो वीडियो का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर थोड़ी बहुत क्लिप्स मिलेंगी तो हमें वो भी। लेकिन है ये एम्प्टी है, लो प्रोफाइल एम्प्टी टायर्स। अब बादरी कॉस्ट किसकी आप पूछ रहे थे? तो ये मेरे को डले हैं कोई। तो वो एक टाइम था जब ये गाड़ी एकदम घेड़ी के हिसाब से बनी हुई थी, फिर ईशान भाई उस टाइम पहली बार आया तो तब तक ना इनको भी ये नहीं था कि भाई ऑफ रोडिंग करनी है क्या है। लेकिन जब ये एक दो बारी हमारे साथ आया फिर उन्होंने 22 इंच की भी अच्छी बजा दी, उसके साथ भी ऑफ रोड किया। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब हमें गाड़ी तैयार करनी है एकदम परफॉर्मेंस मोड्स के साथ, और वो परफॉर्मेंस मोड्स जो है वो सारे हमारे सामने है। तो क्या क्या ईशान भाई का इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस रहा, कैसे ये गाड़ी तैयार हुई, क्या क्या काम हुआ, कितना पैसा लगा, वो सारा का सारा जो है वो आपको डिटेल में ये खुद ही बताते जाएंगे। फंडर्स का ऑलरेडी बता दिया है, बाकी सारी चीजें तो अब आए
आते हैं पहले हम इस पे टायर पे। काफी बंदों ने मुझे ये भी बोला कि मतलब टायर्स में इससे बड़े हो सकते हैं। हाँ इससे बड़े हो सकते हैं, बट जैसे अगर आपको गेड़ी गुड़ी मारनी है उसके लिए, अगर ऑफ रोड करनी है ये परफेक्ट साइज है, क्योंकि इससे बड़ा करेंगे हम तो सामान सामान तोड़ देगी। टायर्स के बाद आगे हम उसके बाद सस्पेंशन में आए थे नीचे। अब बात है सस्पेंशन की, तरुण भाई आप देखो ये चीज, जो स्टीयरिंग रॉड हमारी जो कंपनी की तरफ से आती है वो कितनी पतली होती है और ये देखो कितनी मोटी है, डबल या ट्रिपल है जो कंपनी की आती है उसके हिसाब से। बेसिकली क्या है, जब आपको गाड़ी तैयार करनी है ना, फिर आपको उसमें सिर्फ एक चीज नहीं करनी होती। लाइक आपने स्टॉक गाड़ी में बहुत बड़े टायर डाल दिए तो ऑब्वियसली वो चीजें डैमेज करेगी। एक चीज के साथ आपको हर एक चीज बदलनी है, और इस गाड़ी में हर एक चीज जो है बदली गई है। जैसे सस्पेंशन में ही आप देखो, और अपर आर्म लोअर आर्म सब बदले हैं। और सबसे पहले आप एक्सल का एंगल देखो, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आप बड़े टायर डालते हो ये डाउन आते हैं एंगल्स के, बट ये बिल्कुल स्ट्रेट है। जैसे स्टेयरिंग रॉड है वैसे एक्सल रॉड है, बिल्कुल स्ट्रेट। देखो इससे क्या होता है कि स्ट्रेस कम आता है एक्सल पे। दही मरवाई मैंने है ना गाड़ी की, अगर वो होती है हमारी गाड़ी स्टॉक सब कुछ टूट जाता है उसका। मतलब जितना एंगल उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और वो टूटने का उतना ज्यादा रिस्क रहेगा। अपर आर्म लगाम हो गया, स्टेयरिंग हो गया, उसके बाद आप देखो रमन भैया को हमने सिर्फ इसलिए एक्चुअली कॉल आ गई थी, कह रहे कॉल जरूरी है, इधर रिव्यू शूट रहा है। अभी लिफ्ट में भी कितना कितना फर्क पड़ गया। एक चीज बताता हूँ, गगन भाई ने मुझे, गगन पाजी जो है दिल्ली जिनसे गाड़ी तैयार हुई, एमएमजी से हुई है तैयारी पूरी गाड़ी, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपके ऊपर आपने गाड़ी कितनी उठवानी है। 7 इंच बोलोगे वो भी उठ जाएगी। एक गाड़ी वहां से हो रही है तैयार कैलरा से आईवी बंदेगी, साथ ही 7 इंच और थी ब्लैक वाली 9 इंच हो रही है, वो ऊंची हो रही है और V8 इंजन लग रहा है उसमें। अच्छा हाँ, पर वो सॉलिड एक्सल नहीं हो रही है, टायर उसमें 40 आएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं पहले बंपर बेस के, और टायर फ्लेक्स का बंपर जो आता ना वैसे मिलता जुलता पाजी ने खुद बनाया अपने पास, चेसिस से पूरा माउंटेड है बंपर। तो उसके बोल्ट से इतने बड़े बड़े कि मतलब इससे हम ट्रक भी खींच सकते हैं, पाजी ने खुद बोला था। और उसके बाद आते हैं हम इस पे विंच पे, विंच पैल जो लगी थी मेरी 2 बार टूट गई थी पता आपको। अब मैंने लगाई है कम आप की, और ये हमने टेस्ट भी कर दिया, जो मेरी गाड़ी अभी हैंग हो गई थी तो ये डस्टर की थ्रू निकाल थी, और डस्टर वही जो आपके गांव में बच गई थी वहां। अच्छा वो वाली, अच्छा वहीं पे गए हुए थे, वहीं पे गए थे वहां। उसके बाद हम आ जाते हैं बोनट पे, ये फाइबर का बोनट नहीं है, पूरा मेटल का बोनट है। हाँ तो ये कटिंग कैसे की है, ये सब पाजी ने की है, जो की है मेटल में डिजाइन बना दिया। हाँ, मेटल में बनाया है ये, तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, अच्छा एमएमजी में हुई है तैयारी अभी, तुमने बोला कि फाइबर में बना हुआ है, लगता ही फाइबर। हाँ, में है क्योंकि इतना डिजाइन वगैरह जो है वो फाइबर में। इसका वेट भी बड़ा हो गया हुआ है, एक डीमेरिट है इसका, वेट हो गया वो, पर ये की जो चीज स्ट्रॉन्ग है वो दिखती है सामने है ना, लगता है पहले जैसे कटिंग हुई है कि बना फाइबर में ही है, क्योंकि इतना डिटेल में कटिंग मतलब मेटल में थोड़ा टफ है। खाली इसी चीज को बनते बनते 15 दिन लगे थे, तभी टाइम कंज्यूम हुआ क्योंकि मैंने बाद में ऑर्डर दिया था इसका कि ये भी बना दो। बाकी रमन भैया भी कोई एक हमें लाइन कुछ रमन भैया के मन में भी आ रहा है, रमन भैया बताओ कुछ। भाई अभी रिव्यू कर रहे हैं ना भाई, लास्ट में बताते हैं आप। जो रमन भैया है ना, रमन भैया मतलब किलर भैया, क्या मतलब किलर है भैया, आप किलर। तो आगे आए थे भाई इस पे, चलो डिटेल लाइट्स पे आए थे। ये जीआर की लाइट्स हैं। अच्छा ये ओरिजिनल जीआर, ओरिजिनल जीआर है भाई, ओरिजिनल जीआर। मतलब हेल्प की थी इसमें परब भाई ने और ध्रुव भाई ने, लाइट ढूंढने में मिलती नहीं है ये, मतलब ओरिजिनल जीआर बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल है ये। पड़ती थी कोई मेरे को 2-3 हज़ार रुपए की डिलीवरी चार्ज डाल के। तो उसके बाद एंटीना तो ये पुराने था मेरा, पहले भी लगा हुआ था। रेडियो है हटा दिया है, ये देखो वायर लगी हुई नीचे। ठीक ठीक ठीक। तो उसके बाद आते हैं रूफ पे, ये भी चेंज किया। हां चेंज है, मतलब जो रेंगुलर को स्टफ नहीं आता था, दमित की है रेंगुलर की, सेम वैसा स्टफ वाला है। तो ये अच्छा लग रहा है कंपनी वाले से बहुत, और मोरो कंपनी का ये, और ये थोड़ा बैगी टाइप का है। पीछे से मतलब लुक इसकी सही आती है बैगी टाइप की, और इसका मतलब स्टफ भी ठीक है एज कम्पेयर टू जो हमारा आता है। ये सही था, मुझे इससे लगा हाँ आवाज कम करता। हाँ जैसे वो बड़ा आवाज करता है ना, वो 60-70 के ऊपर आवाज, इसकी आवाज नहीं है आवाज। हम दिल्ली से लेके आए गाड़ी, बहुत रेयर, बहुत कम आवाज। और हाँ उससे बड़ी बात, पीछे बैठे हुए थे रमन भी, और भाई बताओ कैसा एक्सपीरियंस था पीछे बैठने का, कंफर्ट बहुत है इसमें, सस्पेंशन बड़ी सही है। अभी सस्पेंशन में भी इन्होंने क्या किया है कि शॉकर चेंज किए हुए हैं, और जो स्प्रिंग है वो हमारे साथ की है आगे जो। अच्छा स्प्रिंग वही है। हाँ स्प्रिंग वही है, मगर फिर भी गाड़ी में इतना कंफर्ट हो गया हुआ, इतना बड़ा टायर लगा हुआ गाड़ी में, फिर भी गाड़ी में बहुत कंफर्ट है। तो गाइस यही एक चीज रहती है, देखो गाड़ी तैयार तो हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है गाड़ी तैयार होने के बाद ना आप चला ही नहीं पाते, तो उस चीज का पैसा वेस्ट होता है सारा कुछ। तो गाड़ी अगर तैयार हुई है और चलाने में कंफर्ट बढ़ा, फील बढ़ी, तो वर्थ है। स्टीयरिंग मतलब पूरी रॉड चेंज हुई है प्रॉपर, ऐसी उसमें साइंस लगी हुई है कि मतलब हमारी स्पीड थी 100-120, स्टीयरिंग नहीं काम रहा था। अच्छा हाँ, और स्टीयरिंग एक उंगली से पूरा घुमा लेते हैं, हालांकि मेरे फॉर्च्यूनर कैसे हार्ड है स्टीयरिंग। नहीं नहीं हाँ, आप देखो इतने बड़े टायर्स के साथ ना एक सिंपल सी चीज आएगी कि भाई स्टीयरिंग हार्ड होना ही होना है, लेकिन निशान भाई जैसे बता रहे हैं कि इतना बड़ा मेरा फॉर्च्यूनर का हार्ड है, यहीं से आप देख सकते हो। एक बार टायर साइज भी आपको दिखा देते हैं, रडार के हमारे टायर, रडार सबसे बेस्ट कंपनी, 37-37 इंच का जो है टायर आ गया, 17 इंच के रिम में डला हुआ है। भाई फेंडर में आते हैं, बाद फेंडर की ऐसे की जो पहले बने हुए थे वो मेरा इतने बाहर से, मतलब जैसे पहले फेंडर जो हुआ था जलंधर से काम हमारा, तो ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं हमारे आगे वाले से पीछे वाले से ये। और सबसे बड़ी बात है जो कोई मॉडिफिकेशन हुई है ना, ये गाड़ी पूरी रिवर्सिबल है, मतलब हम पूरी वापस स्टॉक बना सकते हैं गाड़ी, वो खुलने हमारे वो ठीक है भाई, तो उसी जगह स्टॉक भी लग जाने, फेंडर यहीं से कटने, यहाँ से कटने के बाद, और ये सब कुछ बोल्ट पे है। नहीं एक चीज और देख रहा हूँ मैं, पीछे भी डिस्क कर दी है। हाँ पीछे भी डिस्क हो गई है। तो गाइस ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज, और हैंड ब्रेक भी चेंज है इसकी। अच्छा हैंड ब्रेक भी चेंज है। हाँ हैंड ब्रेक भी चेंज है, वो काफी सारी हैंड ब्रेक जो हमारी पूरी खींचनी पड़ती ना, ये खाली 3 स्टेप 1-2-3 दैट्स इट, लॉक हो जाएगी। तो ये गाड़ी पूरी रिवर्सिबल होकर हम वापस स्टॉक कर सकते हैं गाड़ी को, इन फ्यूचर जब मेरा प्लान जो है बेचने का या कुछ भी है। अब तो वैसे
मेरा अब तक प्लान है उसको बेचने की गाड़ी को, क्योंकि इतना पैसा लगाने के बाद बेचना बनता नहीं है। रमन भाई भी बोलते अब नहीं बेचेंगे इसको। देखो ये गाड़ी फिर ना कलेक्शन वाली गाड़ी हो जाती है, जब इतना आपने खर्चा किया है गाड़ी और इतने दिल से तैयार की है, फिर रमन भाई के बच्चों को दिखाएंगे कि ये गाड़ी तैयार की थी हमने। मेरे बच्चे इसी में घूम रहे कॉलेज स्कूल इसी में जाया करेंगे। अच्छा कॉलेज तक पहुंचेंगे तो रहनी ही रहनी है वाली। रमन भैया पहले वो किंडर गार्डन स्कूल में जाएंगे, इसमें किंडर गार्डन सॉरी, आपके बच्चे पीने के लिए जाया करेंगे। स्कूल नया खोलना उधर आपके बच्चों को डालना नहीं, ठीक है ओके गाइस चलो। अच्छा मेरी बात सुनो, सुबह में मिले थे आप मुझे तो भाई अब आए थे पिछले बम्पर पे, ये भी टोर बम्पर है पूरा चेसिस है पूरा, और जो पीछे वाली लाइट है इसकी इतनी लाइट है ना, मतलब बाकी लाइट फेल है इसके आगे रिवर्स करने, जो रिवर्स वाली लाइट है, और जो बम्पर है पूरा टोर है इसमें 44 या 45 तक वेट ले सकता है ये बम्पर। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, टायर निकाल दूसरा टायर डाल दिया। अच्छा हाँ, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ही इतनी है, मतलब ये और सारा चेसिस के ऊपर हमारा उस पर कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और खड़क वगैरह कुछ? खड़क कुछ नहीं, जीरो 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 खड़क। और जो रिव्यू है भाई पूरा असली है, कोई फ्रॉडी फ्रूडी है कोई वो सीन नहीं, यहाँ पे अपने पैसे लगा के तैयार कराई हुई गाड़ी। बाकी बात इसकी, आपने प्रोडक्ट का बेयरिंग देखे जो बैक होता है ना उसे ट्रिपल ए, इसके अंदर दो बेयरिंग डले हुए, एक बड़ा एक छोटा, पहले उसके बाद छोटा, ये दो बेयरिंग है, ये तो हिल नहीं सकता कहीं पे, और बिल्कुल जीरो नॉइस है इसके, जीरो। जो प्राड का था बहुत आवाज करता था वो ज्यादा, मैं सीधा रिव्यू दूंगा सबका भाई, जो प्राड का भी था बहुत बेकार था, बहुत आवाज करता था वो, और जो ये है उससे फार बेटर है। और हाँ बाकी बात रही कॉस्ट की, काफी बंदे बोल रहे हैं कि पाजी के बंपर्स महंगे अगले पीछे, लेकिन भाई वर्थ इट है, प्राड से 10-15 हज़ार महंगे होगा ये वाला बंपर पिछला और अगल दोनों, बट लेकिन वर्थ इट है बंपर ये। बंदा पैसा खर्च के बंदा सेटिस्फाई हां होना चाहिए, सही बात है। सर मेन चीज यही है कि अगर आपने पैसा खर्चा है और सेटिस्फाइड हो तो बस, फिर महंगा सस्ता उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बात। उसके बाद आए थे लाइट के ऊपर, लाइट बड़ी अच्छी लग रही है, लेटेस्ट है कोई? अक्षय भैया ने मुझे किया था कि ये ला ले। अच्छा हाँ, ये अक्षय भैया ने मुझे क्यों नहीं बोला? अच्छा मैंने तो थार दे ही दी ना, सॉरी भाई कुछ और आ रहा है, उसमें अभी टाइम है। बाकी हैंडब्रेक दिखाता हूँ आपको। हाँ हैंडब्रेक दिखाओ। क्या खाली तीन स्टेप है, बिल्कुल लाइट, 1-2। ये हैंडब्रेक तो बड़ी सही है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, फ्लू टाइप लगा हुआ नीचे बॉक्स में। ठीक ठीक, जब इन फ्यूचर वो खत्म होगा तो हम उसको रिफिल कर लेंगे। तो ये चीज मुझे सही लगी, बिकॉज थार में ना हैंडब्रेक का इशू रहता है, क्योंकि जब टायर वायर बड़े हो जाए, वैसे भी थार की मतलब नई वाली में तो नहीं पुरानी में ज्यादा इशू है, इसकी तो लगती होगी, इसकी लगती है, बट हमने जब वो हैंडब्रेक वो भी कर दिया ना हमने फिर। अच्छा, और उसमें एक ऐसा मेरे को यार अभी याद नहीं आ रहा कौन से पैड यूज है उसमें, जो कंपनी से पैड आते हैं उसमें थोड़ा दूसरे टाइप के, जिनकी लाइफ एज कम्पेयर टू कंपनी वाले पैड्स उनसे ज्यादा है। कौन सा मटेरियल यूज है मुझे भी याद नहीं आ रहा, जो अगर बता दूंगा तो। बाकी बात रही इस रॉड की, तो जो कंपनी की रॉड आती है आपके पास भी थार थी, वो कितनी पतली थी एज कम्पेयर टू इस रॉड के। खाली एक ही इसका वो है कि हमें इसको मतलब एवरी ऑफ रोड प्रॉपर चेक करवाना है, बोल्ट टाइट करवाने एंड ग्रीसिंग करवानी है इसकी, क्योंकि ग्रीसिंग करके तो गाड़ी जो चूं 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 आवाज करती है वो वैसे ही होता है, और सामान भी तोड़ सकती है। हां प्रॉपर्ली इसको मेंटेन है कि भाई बंदा पैसा खर्च के बंदे की गाड़ी में आवाज नहीं। हां जब हम ऑफ रोड करें खर्च लो इतना, फिर ऑफ रोड के टाइम आपकी गाड़ी आवाज करे चूं चा कोई भी, और वो बंदे को वो ना सेटिस्फाई बेसिकली वो बात वो नहीं है। हमें डिग्गी पे भी ये बात बोल रहे थे कि मतलब हमने कहा आप गाड़ी में तैयार क्यों नहीं कराते डिग्गी में आवाज, कहते हैं हमको चू चू पसंद नहीं गाड़ी में चू चू, सेम आपके गाड़ी में थोड़ी डिग्गी में आवाज आई हम पागल थे ठीक कराने कैसे भी, सेम इनका सेम मेरा सीन है, थोड़ी सी आवाज ना हमें गाड़ी में वो बड़ी मतलब वो होती है। चलो एक तो हमारे तरपाल की है ये आवाज, चलो अब तो बहुत कम हो गई है, पहले से 70% फर्क फर्क पड़ गया, इतना फर्क पड़ गया इससे तो। बाकी वो देखो आगे जो शॉकर है कितना बड़ा है एज कम्पेयर टू जो हमारा आता है उसमें, जमीन आसमान का फर्क है शॉकर में, इतना बड़ा शॉकर है। हर एक चीज जो है वो आपको काफी डिटेल में ईशान भाई ने खुद ही समझाई है, और देखो ओनर का एक्सप्लेन करना चीज को ना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहता है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस एड है, फिर जैसे पैसा लगा हुआ है तो दिल से हर एक चीज निकलती है उसमें, कोई भी फॉर्मेलिटी या वैसा कुछ नहीं होती। तो अब आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितना ईशान भाई कितना कितना रोकड़ा लगा, कितना रोकड़ा लगा जिमनी आपकी, जितने की जिमनी आई थी गाइस समझ गया ना, जितने की मैंने ली है उतने की जिमनी, टायर्स डाल के सब कुछ करके ए से जेड। अच्छा ए टू जेड जो है भाई वो है जो अभी लगा है। हाँ जो पहले लगा था उससे पहले वो नहीं, वो एक और जिमनी ऐड, उसमें एक जिमनी ऐड करो, दो जिमनी कर लो, क्योंकि आपको पता है इससे पहले मैंने प्रोडक्ट के बम्पर डाले थे अगले पिछले, विंच दूसरी थी मेरी, दो बार लाए थे, एक फ्यूल के उसके बाद लाए थे मैंने, लाए दो लाए थे। क्या बात है, तो मतलब ये आपको खड़ी तो एक ही थार दिख रही है, लेकिन ये तीन थारों को मिला के नहीं, छोड़ो दो जिमनी को, जितने की आज आपकी वो पड़ रही है ना आपको लग्जरी एन। यहाँ से आप देख सकते हो, बट मैं सच बात बताऊं तो वर्थ लग रही है गाड़ी, लुक्स में भी परफॉर्मेंस में भी, और जैसे ड्राइव ईशान भाई बता ही रहे हैं तो हर एक चीज में मजेदार है, तो यही एक मेन चीज रहती है। तो बड़ा मन सा था मेरा कि ये गाड़ी मुझे खुद अपनी आंखों से भी देखनी है, और फिर जो मुझे देखना है तो मुझे आपको भी दिखाना है। और कुछ और बाकी बात रही प्रोडक्शन की, नीचे हमने प्रोडक्शन की, अच्छा वो भी है अभी, ठीक है अभी और है, प्रोडक्शन नीचे हर एक चीज की कराई है, क्या डिफरेंशियल क्या नीचे आपका पीछे वाला आगे वाला फ्यूल टैंक आ गया पीछे, और यार सबसे पहली बात सब कुछ करो। हाँ सबसे पहली बात है गाड़ी रीमैप है सेकंड स्टेज क्वांटम की। अच्छा हॉर्स पावर भी बढ़ गई। हाँ रीमैप में दो प्रॉब्लम आई थी मुझे, सबसे पहले मैं करवा था T8 परफॉर्मेंस रीमैप, ठीक है सबसे बेकार है भाई, वो क्यों बेकार है वो बताता हूँ आपको मैं। उनसे मैंने अपना ECM भेजा उनके पास बैंगलोर में भेजा, ठीक है T8 वालों के पास भेजा था मैंने अपना ना ECM करवाने की रीमैप, उन्होंने रीमैप जो मेरा भेजा तो उन्होंने बताया था कि DPF सबको रिमूव करना है, जबकि हम इसका DPF नहीं रिमूव करना, अगर आप थार का DPF रिमूव करोगे वो साइन आ जाएगा, एक गाड़ी आपकी लिमिट में चल जाएगी। वो गाड़ी मेरी 20 की स्पीड ऊपर जा ही नहीं थी आफ्टर रीमैप।
अच्छा हाँ, मैंने दो बार भेजी अपनी ECM, उनका कोई रिप्लाई नहीं कुछ नहीं। फिर हार के मैंने पहले वापस गाड़ी महिंद्रा भेजी, उसको वापस ठीक करवाया, उसको साइंस हटाए सारे, 20,000 मेरा उसमें लगा। फिर मैंने जलंधर से करवाई थी, कॉन्डम की रीमैप है, अक्षय भैया ने मुझे उनका नंबर दिया था, मैंने उनसे बात कर किया और गाड़ी की परफॉर्मेंस उसके बाद बम। तो मैं सबको ये बोलूंगा कि DPF वाला टैंक मत हटाना, जो भी रीमैप करवा रहा है लगे रहने दो, फिर रीमैप करवाओ। अब आगे बढ़ते हैं अंडर बॉडी। तो भाई जो हमारे गगन पाजी है ना, उनका कहना है कि ये शीट है बुलेट प्रूफ। आप इसको खुद देखो ना, इतना कम से कम इतनी मोटी चादर है ये, चाहे पत्थर के साथ मारो, जिस चीज मर्जी के साथ मारो, जो रेड कलर की चीज देख रहे हो नीचे आप, ये लिफ्ट हमारी, ये चीज गाड़ी को लिफ्ट करती है। ब्लॉक्स जो है इसमें पत्थर जितना मर्जी बड़ा पत्थर बजे इसको इस कुछ नहीं होगा। और जो उससे भी बड़ी बात है, आपने देखा होगा हमारी फॉक्स कंपनी की लिफ्ट आती है, गारंटी कितनी देर की होती है, साल दो साल, इसकी चार साल की है लिफ्ट की, शॉकर्स की, ठीक है, लीकेज लुके कुछ भी होगा पालने को रिप्लेस होकर नहीं भेज दूंगा वहां से। तो जो पीछे फ्यूल टैंक का भी देखो कवर जो है वो भी इतना मोटी शीट और पूरी पकड़ी हुई है उस चीज ने जो फ्यूल टैंक का कवर है। एक तो बात तो लगता नहीं कवर लगा हुआ है, और ये कवर लगा कवर है, ये कवर है पूरा प्रॉपर, इतनी मोटी शीट यूज की हुई है, ऐसा इसको कर दिया कि कहीं से भी लगे ही कहां से। जो ये लगी हुई है मेरी गाड़ी, ये लगी हुई है जब वो हमारा छनांग वाला इंसिडेंट हुआ था, ये बंपर लगा था हमारा, इतनी ऊंची हुई थी कि ये बंपर नीचे लग गया था, देख लो आगे। अच्छा ये अभी, हाँ और क्या बोल रहा हूँ, जो रील देखी, हाँ हाँ हाँ, ये वही है जो बंपर हमारे ऊपर गया था उसकी वजह से जब नीचे आके बचा था। तो मतलब इतनी गाड़ी पीछे आ गई, हाँ टॉप लोड लगी थी पूरी। चलो जी ठीक है, इतना। और ये आगे लॉक जो है ना, ये हम इसको खोलेंगे तभी नहीं खुलेगा। अच्छा एक आता है पहले इसको उठाओगे तो ये खुल जाए ना, ये वो नहीं है। पाजी कहते हैं बच्चे जो शुरुआत करते हैं खोल के खोल भी सकते हैं। इसके आता है वो टूल, घुमाएंगे हम गोल गोल 3-4 बार, ये निकलेगा बार, फिर ये खुल जाएगा इजीली। और सारा लोड है वो सारा इस पे है। जान जी ठीक है, गाड़ी गाड़ी कैसी है फिर, आप कैसे आए हो मेरे जान यहाँ पे, देखने में कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ना। चलो जी ठीक है, शुक्रिया, बास है गाड़ी। तो यही कुछ सीन है। तो आई थिंक सारा जो है ओवरऑल आपको गाड़ी का पूरा जो है हमने समझा दिया है, क्या है कैसे है और देखने में जो भी लग रही है ऑलमोस्ट मतलब सारा काम हो गया, खाली अंदर इंटीरियर कराना है वो अक्षय भैया से ही करवाना, उसका वेट है हमें, दोनों को ही वेट है हमें, तो अंदर इंटीरियर का काम कराना है छोटा मोटा, तो बाकी तो ऑलमोस्ट वही है गाड़ी का सारा काम। तो यही है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी, बिकॉज मैंने वही चीज कही ना कि ये रिव्यू जो है ये मैंने नहीं करा है, ये रिव्यू ओनर ने जो है खुद करा है, जस्ट बिकॉज इस गाड़ी के साथ कैसा एक्सपीरियंस उनका रहा। और कोई भी गाड़ी तैयार करवाना चाहता है, आई होप आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो में आने के लिए। एक चीज और बोलना भाई मैंने, जैसे मैंने गाड़ी कराई थी जलंधर से तैयार अपनी है ना, पोज करो मैंने गाड़ी भेजी अपनी, तो उस बंदे का काम किया जिसको हम पैसे पे कर रहे हैं कि प्रॉपर एक वीडियो भेजनी, गाड़ी का काम हो रहा है चलो, तो रोज नहीं बोलते हैं विद इन 2-3 डेज क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, भाई वो कुछ नहीं होता था वहाँ पे, क्या मटेरियल यूज हो रहा हमें वो भी नहीं पता है ना। हम आपको गगन भाजी का काम दिखाते हैं, आप यहाँ पे खड़े हो ऐसे ऊपर, इसके ऊपर हाँ खड़े हो, एक मिनट, इसको तो क्या ही होगा, अब फेंडर के ऊपर खड़े हो जाओ, फेंडर के ऊपर खड़े हो और नहीं टूट जाएगा यार, खड़े होने यार, टूटेगा मेरी जिम्मेदारी, ये तो कुछ ज्यादा ही करवा रहे हैं यार, खड़े हो, हाँ यार भाई टूटेगा मैं बेक रहा हूँ, चलो खड़े हो जाओ भाई पूरा प्रॉपर तरीके से, जैसे होते हैं खड़ा, कुछ लग रहा कुछ टूटने में लिए कोई चीज नहीं किया हुआ था ना, एक तो उनकी पूरी चादर नीचे से सड़ी हुई थी पूरी, अच्छा उन्होंने सिंगल पीस लगाया हुआ, हाँ अच्छा। जो पाजी ने किया, पाजी ने पहले ये ऊपर नीचे बीच में सेंटर में भी शीट, देखो मैं ऊपर चढ़ा हूँ और मुझे बिल्कुल भी ऐसे मतलब डर नहीं लग रहा कि यहाँ भी टूट जाएगा, और मैंने पूरा वेट डाला है, और ऐसा नहीं कि मेरी हाइट मतलब मैं भी 69 kg हो चुका हूँ, पहले देखा था, देख सकते हो 69 का वेट इसने बिल्कुल फेंडर ने अच्छे से लिया है, तो बिल्ड क्वालिटी में कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। और पाजी के एक बात और है कि जैसे पोज करो 2-3 दिन हो गए है ना, खुद फोटो आनी प्रॉपर वीडियो आनी, ये काम हो रहा है ये काम हो रहा है, जो चीज हमारी खराब होनी ना सबसे बड़ी बात, जिसको लिफ्ट कराई मैंने बॉडी जंदर से, उन्होंने इसके बॉडी माउंट हटा दिए थे फ्रंट, जो बॉडी माउंट होते आगे वाले मेन वो हटाई दिए थे, हटाई दिए थे, अच्छा मेरे रॉकलेट्स लगी थी यहाँ पे वो हटा दी, वो रॉकलेट भी सस्ती नहीं थी, जो आपको पता ये रॉकलेट लगी थी इसके नीचे वो भी हट गई, अच्छी वैसे लगवाई थी वो फिर लगवानी पड़ेगी, ठीक है। तो यही है भाई, काम जिसे करवाना ट्रस्टवर्दी बंदा होना चाहिए, गगन पाजी की हम खुद गारंटी लेते हैं भाई, हमारी जिम्मेदारी है काम एक नंबर है भैया का, जो चीज आपकी खराब है आपको पहली फोटो भेज देंगे ये चीज खराब है। जैसे मेरे शॉकर्स थे कंपनी के पहले वो पूरे खत्म थे मेरे, मुझे पता था मैं चाहता था गगन में खुद बोले खत्म है क्या, उन्होंने बोला हाँ भाई खत्म है ये, तो वैसे उसकी जरूरत है नहीं है, नहीं लगना था लेकिन उन्होंने खुद ही बोल दिया। तो ये प्रॉपर फोटोज आई थी, सब कुछ होता है, ये हो गया वो हो गया, ये प्रॉब्लम पड़ गई है वो प्रॉब्लम, वो खुद ही सब कुछ प्रॉपर फोटोज वीडियो सब कुछ, और जब गाड़ी तैयार होने वाली थी मैंने उनको बोला आ जाऊँ, कहते नहीं अभी 2 दिन टेस्ट करूंगा मैं गाड़ी को उसके बाद आना, और पेंट जो है प्रॉपर गगन में वहाँ पे अंदर हुआ है, ये बाहर से नहीं हुआ उन्होंने किया हुआ ये वाला पेंट भी, कोटिंग वोटिंग हाँ सब कुछ, पूरी गाड़ी पेंट हुई है लगता है, पूरी गाड़ी पेंट हुई है मतलब बिल्कुल कंपनी जैसा ओरिजिनल ही है, तो शाइन वाइन तो तभी तो बोल रहे थे कि फुटरेस्ट लगवाना है इसमें, तो मैंने कहा गाड़ी ऊंची करिए, फुटरेस्ट लगाने का मतलब बनता नहीं, नहीं 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 फुटरेस्ट में वो मजा नहीं है। तो चलिए जी, तो इसी बात पे चैनल को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें, और लास्ट में हम रमन भैया की एक बाइट लेंगे, बाइट भैया बाइट मतलब बातों की बाइट, बातों की बाइट लेंगे। रमन भैया कुछ तो बोलो, नया कैमरा लिए है, इन्वेस्टमेंट की है भाई, आजकल तरुण भाई बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक उन्होंने हाल ही में भी नई गाड़ी ली है ये बोलेरो, इनके चैनल को सपोर्ट करो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने अगले ऑफर
में हमारे साथ जाएंगे, नेक्स्ट ऑफ रोड में ये हमारे साथ जा रहे हैं और तबाही मचा देंगे। बोलेरो की परवाह करनी नहीं है, जहाँ बोले वहाँ घुसा देंगे भाई। अब तो ये परवाह करें फिर बनती भी नहीं, बनती भी नहीं। वो हम वीडियो में पहले बोल देंगे की परवाह करने शुरू हो गए हैं, परवाह नहीं करनी है, उसको घुसाएंगे जहाँ बोलेंगे। नहीं अब आप बोलोगे इसके साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं मुकाबले नहीं भाई, एटलीस्ट घुसाओगे ना गाड़ी अपनी जहाँ बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तरुण भाई को हम पिछले जो एक डेढ़ साल पुराना रूप है उसमें ला रहे हैं तरुण भाई को अपने साथ। अच्छा आपको बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली है आगे नेक्स्ट, और ट्रिप भी शायद हम प्लान करेंगे, मिलेंगे हाँ ट्रिप भी अब सोच रहे हैं प्लान बना के तो निकलेगी करेंगे। बातें तो रमन भैया ने बहुत सारी बताई है अभी, तो अभी अपनी किन बातों पे रुकेंगे, मतलब मैं छोड़ूंगा नहीं, ट्रिप तो जाना है ठीक है। हाँ डन भाई बोल दिया, डन है ना, डन डन। आप मैं ऋषभ भैया बाकी पता नहीं, तीन बाकी जो हमारे अपने भाई हैं। हाँ वो तो होते हैं, रेंगलर होगी, गगन भी होगे। चलिए जी ये सारे सीन्स हैं, तो बस उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी बात पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।